Classes, myself Mamta, and in our previous English class, we have read that how to change a simple present active tense to a simple present पैसिव वॉइस. ठीक है, यानी कि हमने सीखा था कि अगर सिंपल प्रेजेंट में हमारे सामने एक्टिव वॉइस आता है तो उसको हम किस तरीके से पैसिव में चेंज कर सकते हैं. सो देर वर सर्टेन रूल्स एंड देर आर सर्टेन रूल्स टुडे ऑल्सो. कि हमने सबसे पहले कैटेगराइज किया था अपने सेंटेंसेस को इन फोर पार्ट्स में, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड द सेंटेंसेस दैट स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच वर्ड. ओके ओके, सो असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आप क्या करते हैं, एंड में फुल स्टॉप मार्क करते हैं. ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जिसमें आप नॉट का यूज़ करते हैं, यानी कि जो सेंटेंस हमें नहीं का अर्थ देते हैं वो. इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो आप जिनमें आप क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं या कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है. इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाया जाता है, जो कि हमें इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव का अर्थ देते हैं. ठीक है, और डब्ल्यू एच वर्ड में कौन कौन से वर्ड आ गए, वैन, वेयर, हु. ठीक है, जो एच ओ डब्ल्यू वर्ड है जैसे हाउ मच, हाउ मैनी या हाउ से स्टार्ट होने वाले, वो भी इसी तरीके से चेंज होते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो उसका सिंपल फॉर्मूला है, सब्जेक्ट इज ए मार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड ऑब्जेक्ट. टेंस में हमने पढ़ा है दैट हाउ टू यूज इज एम आर, और किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो हमने पढ़ चुके हैं हम लोग. फिर भी क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं. इस जो है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नाउन. अब सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं, जिनमें किसी एक ही व्यक्ति की बात की जाती है, एक ही पर्सन या थिंग की बात की जाती है. एम जो है वो हमेशा आई के साथ में ही यूज़ किया जाता है. ओके, और आर जो है वो प्यूरल नाउन के साथ में. अब प्यूरल नाउन क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा की जब आप पर्सन्स की या थिंग्स की या किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्यूरल नाउन का यूज़ करते हैं और उसमें हम आर का यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट चेंजिंग द एक्टिव सेंटेंस टू अ पैसिव सेंटेंस. ठीक है, मैंने यहाँ पर इधर की साइड में जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं वो लिखे हैं और यहाँ पर हम सीखेंगे हाउ टू चेंज इन दैट सेंटेंस टू द पैसिव सेंटेंस. ठीक है, सो पहला सेंटेंस जो हमारा असर्टिव है, दैट इज़ अनुराग इज सिंगिंग अ सॉन्ग. सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना है, जिस तरीके से मैंने ये देखिए सिंटेक्स लिखा है उसी अकॉर्डिंग मेरा जो सेंटेंस है वो भी फॉर्म होगा. ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रही मेरी हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और ये रहा मेरा पूरा ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को कैटेगराइजेशन के बाद में पुट ऑन करना है. ठीक है, सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आप ऑब्जेक्ट रखिए, तो अ सॉन्ग इज माय ऑब्जेक्ट, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू राइट अ सॉन्ग. आफ्टर दैट इज एम आर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट ओनली, बिकॉज दिस इज आर सब्जेक्ट हियर. सो अ सॉन्ग सिंगुलर नाउन है, दैट इज वाई आई एम गोइंग टू यूज इज अ सॉन्ग इज, देन बींग एज इट इज लिखना है मुझे, बींग वो आपकी थर्ड फॉर्म, सिंगिंग सिंग सेंग संग एस यू एन जी संग. आफ्टर दैट बाई एज इट इज लिखना है और मेरा सब्जेक्ट है अनुराग, तो अनुराग जो है वो एज इट इज यहाँ पर पुट ऑन हो जाएगा. वाई सो, बिकॉज ये एक नाम है. अगर यहाँ पर आई होता तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम मी का यूज़ कर सकते थे. ठीक है, सो सेकंड हमारा सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस. फॉर्मूला उसका जो है बनता है सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, कैटेगराइजेशन कर रखते हैं, वी हमारा सब्जेक्ट, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारा नेगेटिविटी को शो करने के लिए, गोइंग हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और टू मार्केट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो अब मुझे सबसे पहले यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्ट, सो मैंने लिखा मार्केट. ठीक है, मार्केट, उसके बाद में इज, आफ्टर दैट नॉट, आफ्टर दैट बींग एज इट इज लिखना है हमें, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म में आई एन जी, गोइंग गो वेंट गॉन गॉन, बाय एज इट इज लिखना है, वी वी का हो जाएगा अस,
मार्केट इज नॉट बींग गॉन बाय अस, यानी कि हम लोग मार्केट जो है वो नहीं गए हैं, ठीक है। माई थर्ड सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो दो तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एक जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। अगर आप असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं है, केवल सब्जेक्ट को बाद में रखा है और इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी टेंस में पढ़ चुके हैं। सो आर दे वाटरिंग द प्लांट्स, सो ये जो है हेल्पिंग वर्ब को प्रेजेंट कर रहा है मेरा आर, दे मेरे सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर रहा है, वाटरिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और द प्लांट्स हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले इन्होंने मुझे बोला है इज एम आर लगाने को, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है तो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर मी टू पुट ऑन द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे कि द प्लांट्स है, एस लगा है, इसका मतलब क्या है, प्यूरल, तो मैं इन तीनों में से आ पुट ऑन करूँगी आर। आफ्टर दैट इन्होंने ऑब्जेक्ट मांगा है, ये रहा ऑब्जेक्ट द प्लांट्स, आर द प्लांट्स। आफ्टर दैट बींग एज इट इज लिखना है हमें, बींग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाटरिंग वाटर्ड, ठीक है, डब्ल्यू ए टी ई आर ई डी, वाटर्ड। आफ्टर दैट बाय आप एज इट इज पुट कर दीजिए, एंड देन दे, दे का हमने प्रोनाउन में पढ़ा है देम हो जाएगा, अगर आपको आपने जो है वो प्रोनाउन वाली लिस्ट जो है वो ध्यान से देखिए तो वहाँ पर दे का जो एक्ट पैसिव में बनता है वो देम बन जाता है इन द एंड जाकर, ठीक है। सो मेरा सेंटेंस बनेगा आर द प्लांट्स बींग वाटर्ड बाय देम। नेक्स्ट वन इज डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड में देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आप रखिए, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब इसलिए रखा है ताकि अगर मान लीजिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता तो आप यहाँ पर हैज़ेव मानते, ठीक है। अगर सिंपल प्रेजेंट होता तो आप यहाँ पर डू या फिर डज, सॉरी डिड मानते, डू डज मानते, इस तरीके से। फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर एंड में पुट होता ही है, ठीक है। तो ये रहा मेरा डब्ल्यू एच वर्ड, ये रही मेरी हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और अ न्यू कार यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट। सो ये रहे मेरे पास में, मेरे पास में जो है मेरा पूरा का पूरा सिंटेक्स। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है डब्ल्यू एच वर्ड, जो भी डब्ल्यू एच वर्ड है हमने लिखा वैन एज इट इज, देर इज गोइंग टू बी नो चेंज। देन हेल्पिंग वर्ब इन्होंने मांगी है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब जो है हम क्या करेंगे, यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सो हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, अ न्यू कार हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर नाउन, तो व्हेन इज, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, अ न्यू कार, ठीक है। बींग, बींग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बॉट बाय यू, यू जो है वो हमेशा एज इट इज़ पुट ऑन होता है, कहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रोनाउन एंड में। अगर यू यहाँ पर आता है आपका सब्जेक्ट तो ये यहाँ पर जाकर भी एज इट इज़ ही रहता है। सो इस तरीके से चार तरीके के रूल बनते हैं, एक ये असर्टिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, और इंटेरोगेटिव वो वर्ड जो कि, सॉरी सेंटेंस जो कि डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अगर यहाँ पर हाउ आता तो मैं यहाँ पर भी हाउ का ही यूज़ करती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज करना है एक्टिव सेंटेंस टू अ पैसिव सेंटेंस। थैंक यू।